हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल पेंसिल्स के बारे में कि व्हाई यू शुड यूज़ मैकेनिकल पेंसिल, क्या कोई ये क्यों बाय करनी चाहिए अगर आपके पास नहीं है। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो मैकेनिकल वाली, इतना डार्क वैल्यूज किस तरह से ऑप्ट कर लेते हो आप मैकेनिकल पेंसिल से। तो काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ करने के। बिकॉज ये अपने आप में बहुत बढ़िया टूल है, अगर आपको यूज़ करना आ जाए तो, अगर आप बहुत डिटेल वर्क बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गाइज। तो आई होप इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा क्यों यूज़ करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर यूज़ करनी चाहिए और क्या बेनिफिट्स हैं। तो लेट्स सी। सो गाइज, मैकेनिकल पेंसिल तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट लुक की मिल जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड क्वालिटी की मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास सकुरा की 0.3, 0.5, ये पेंटेल ग्राफगेर 0.5 और ये टॉम्बो वाली 0.5। इसी तरह से आपको और भी बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे मैकेनिकल पेंसिल में, और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से आपको उनका प्राइस मिल जाएगा। जो ये 0.3 वाली है, इसका प्राइस है अराउंड 300 रुपीज़, इसका है 250 अराउंड। जो 0.5 वाली है, इसका है 1000, क्योंकि ये पूरी मेटल बॉडी है। और जो टॉम्बो वाली है, इसका प्राइस है अराउंड 600 रुपीज़। तो प्राइस तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड में डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, जितनी आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए। बट इनमें जो एक चीज़ सेम होती है, वो होती है इनकी लेड, वो हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि ये तीनों 0.5 की हैं, तो इन तीनों में हम अपने हिसाब से लेड डाल सकते हैं और काम कर सकते हैं। मेरी फेवरेट तो ये है सकुरा वाली, बिकॉज काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी अच्छे से मैं काफ़ी देर तक डिटेलिंग कर सकता हूँ, इससे काफ़ी लंबा काम कर सकता हूँ। तो मेरी फेवरेट तो यही है। अदरवाइज़ अगर मैं ग्राफगियर 1000 की बात करूँ, तो ये मेटल बॉडी है पूरी, और हाथ में लेने में थोड़ा अलग ही फील आता है, थोड़ी प्रीमियम सा फील आता है। और इसका जो ये वाला मैकेनिज्म है आगे वाला, ये बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत यूनिक सा लगता है और यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से इनके प्राइस ज़्यादा होते हैं। बट अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप 10 रुपये की कैमलिन वाली से भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, बट वो जल्दी ख़राब हो जाती है, यही फ़र्क होता है यूजली। तो और जो टॉम्बो वाली है, उसमें भी ये वाला पूरा मेटल का है और ये भी थोड़ा प्रीमियम सा लगता है, देखो। सो यही बस डिज़ाइन वगैरह का फ़र्क होता है। अदरवाइज़ जो हम अंदर लेड डालते हैं, वो हम अपने हिसाब से ही डालते हैं, जिस तरह की हमको यूज़ करनी होती है, HB, 2B, 4B। और जो लेड है, वो हम इस तरह से पीछे से डाल सकते हैं, ये इस तरह से ओपन होता है। और यहाँ पे आपको एक रेज़र भी मिल जाएगा, इन सभी में मिल जाएगा रेज़र। तो आपको तो ये कुछ इस तरह से, यहाँ से हम अपनी जितनी भी इसके अंदर लेड हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर अभी टोटल 3 लेड हैं, आपको दिख रही होंगी। इसके अंदर हम डाल सकते हैं मैक्सिमम कितनी ज़्यादा। यहाँ पे रेज़र लगा देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। इसी तरह से इन सब में रेज़र आपको मिल जाएगी, ये देखो। इसमें भी लेड डाल देंगे, इसमें फ़िलहाल है नहीं एक भी। इसके पीछे जो इरेज़र है, वो थोड़ी यूनिक है इन बाकी सबसे। इसको इस तरह से हम घुमाएंगे तो इस तरह से इरेज़र निकलेगा, जो कि ज़ीरो इरेज़र की तरह है। फाइन फाइन हम हाइलाइट्स कर सकते हैं हेयर वगैरह में। मैकेनिकल पेंसिल का नाम भी है मोनोग्राफ ज़ीरो, तो कुछ इसी तरह की है, मोनो ज़ीरो इरेज़र की तरह। तो बस यही कुछ डिफरेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड में। बट जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, वो यही सकुरा वाली है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और मैं काफ़ी देर तक इससे डिटेलिंग कर पाता हूँ, काफ़ी देर तक काम कर पाता हूँ, अगर मुझे हाइपर रियलिस्टिक कुछ बनाना है तो। और अगर उससे भी छोटी डिटेलिंग करनी है, तो मैं 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करता हूँ, ये भी सकुरा की है। ये ओनली येलो कलर में ही आती है, इसके अंदर 2B की लेड डाल लेता हूँ, 2B और HB। ये दो लेड है गाइस जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, 4B एंड 2B। 4B 0.5 की है और 2B 0.3 की है। जो लोग बोलते हैं इतनी डार्क किस तरह से कर लेते हो, वो इससे होती है, 4B पेंटेल की। ये तो बहुत बेस्ट है डार्क एरियाज को ऑप्ट करने के लिए। सो गाइस, मैंने आपको पेंसिल्स तो दिखा दिए हैं और डिफरेंस भी बता दिया है चीप और एक्सपेंसिव में क्या डिफरेंस होता है। बिल्ड क्वालिटी का बहुत फर्क पड़ता है, आप जब यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फर्क देखने को मिलेगा। बिगिनर्स को मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, बिगिनर्स आप तो नॉर्मल यूज़ करो, जो सेलो या फिर कैमलिन की मिलती है मार्केट में वो यूज़ करो। मेन तो स्किल्स मैटर करते हैं, आप उसमें भी अगर अच्छी वाली लेड डालोगे तो उससे बना सकते हो। बट बिल्ड क्वालिटी का बहुत फर्क पड़ता है, जो कैमलिन वगैरह की होती है वो काफ़ी जल्दी टूट जाते हैं, काफ़ी जल्दी उसमें सिक्का फंस जाता है तो ख़राब हो जाती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया स्टार्टिंग में यूज़ करता था। तो गाइस, अब बात करते हैं कि आपको क्यों यूज़ करनी चाहिए मैकेनिकल पेंसिल, और किस तरह से यूज़ करनी चाहिए और क्या बेनिफिट्स हैं इसको यूज़ करने के। अब मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मैं बिल्कुल बारीक लाइन लगा रहा हूँ 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके, ये काम वुड पेंसिल से करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इतनी बारीक लाइन, इतने अच्छे से हमको पहले तो उसको शार्प करना पड़ता है पेंसिल को, और ऊपर से बारी बारी शार्प करना पड़ता है, तो उससे हमारी पेंसिल काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। बट अगर मैं मैकेनिकल पेंसिल की बात करूँ, इसमें ऐसा नहीं होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बारी बारी बस डार्क कर रहा हूँ आराम आराम से स्ट्रोक्स लगा के, मुझे कोई शार्प करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की बिल्कुल फाइन फाइन डार्क लाइंस लगाने के लिए, बिल्कुल फाइन वर्क करने के लिए हम मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B की लेड,
जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। तो एक मेन रीज़न तो मेरे को यही लगता है बिकॉज़ वुड पेंसिल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और उनको शार्प करना पड़ता है, बराबर शार्प करने भी काफ़ी झंझट रहता है। तो उन सब से बचने के लिए हम मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं ताकि शार्प ना करना पड़े और बिल्कुल फाइन फाइन डिटेलिंग हम काफ़ी जल्दी कर पाएँ। जैसे कि अब मैं एक क्लॉथ पर टेक्स्चर बना रहा हूँ, बिल्कुल लाइन लगानी है नीचे की साइड, बिल्कुल सेम लाइन होनी चाहिए सारी, तो ये मैं मैकेनिकल पेंसिल से कर रहा हूँ। अगर मैं वुड पेंसिल से करता तो लाइन लगाते 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 जो उसकी निब है वो मोटी जाती, तो कहीं पे पतली लाइन लगती, कहीं पे मोटी लाइन लगती, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल सेम लाइन चाहिए। तो उसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैं आइज़ में बिल्कुल डार्क कर रहा हूँ 6B पेंसिल का यूज़ करके, प्रेशर का अप्लाई करके, बिकॉज आइज़ काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं, तो मैं एकदम से डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट जो कोने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर मैं यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज पेंसिल अच्छे से शार्प नहीं है। तो मैं इस पेंसिल को शार्प ना करके अपनी मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगा जिसके अंदर 4B की लेड है, और जो आई बॉल के चारों तरफ वाला एरिया है उसको मैं एकदम से डार्क कर लूँगा काफ़ी अच्छे से, बिकॉज ये फाइन है, तो इससे मुझे वुड वाली पेंसिल को दोबारा शार्प नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमको हर जगह डार्क एरियाज में मैकेनिकल पेंसिल की 4B की लेड का यूज़ करना है। जहाँ पे ओनली फाइन डिटेलिंग करनी हो, ओनली फाइन डार्क एरियाज चाहिए, वहीं पे यूज़ करो, अदरवाइज आप नॉर्मल वुड पेंसिल का यूज़ करो। और जो मैं ये आपको बता रहा हूँ ये ओनली A3 साइज़ तक के वर्क के लिए है, अदरवाइज अगर बड़े साइज़ पे बना रहे हो तो आप वुड पेंसिल से बना सकते हैं, बिकॉज जो छोटे वर्क्स होते हैं उसमें मैकेनिकल पेंसिल का ज़्यादा रोल होता है। और जो मैंने ये वाली रियलिस्टिक ड्राइंग बनाई थी कैट वाली, इसमें मैंने ऑलमोस्ट मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ किया था, बिकॉज इसके जो फर हैं वो काफ़ी बारीक बारीक हैं, तो बारीक बारीक हमको लाइन लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं बार बार वुड वाली पेंसिल को तो शार्प नहीं करूँगा ना, उससे तो काफ़ी पेंसिल मेरी खर्च हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें कंप्लीट ज़्यादातर मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ किया था। तो अगर आपको इस तरह के वर्क बनाने हैं एनिमल्स के जिसमें ज़्यादा फर हों तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फाइन फाइन लाइन मिल जाएंगी, काफ़ी डार्क डार्क लाइन मिल जाएंगी। इस वाले वर्क में जो भी आपको वाटर का इफेक्ट दिख रहा है, जो भी डिटेलिंग है बिल्कुल फाइन फाइन, वो सभी मैंने इसी मैकेनिकल पेंसिल से की है, 2B एंड 4B की लेड से। मैंने इसमें कोई भी ज़्यादा वुड पेंसिल का यूज़ नहीं किया है, मैक्सिमम मैंने मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ किया है। इसकी आप कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो इस तरह की अगर हाइपर रियलिस्टिक आप ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है मैकेनिकल पेंसिल। अगर आप बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आपको मैकेनिकल पेंसिल की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हाइपर रियलिस्टिक में डिटेलिंग बहुत तगड़ी करनी पड़ती है। तो उसमें तो आप वुड पेंसिल का तो यूज़ करोगे नहीं, बारी बारी वुड पेंसिल को शार्प करोगे ऐसा तो करोगे नहीं, आपको मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करना ही पड़ेगा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वुड पेंसिल से नहीं कर सकते हैं, वुड पेंसिल से आप सारे काम कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेलिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल फाइन वर्क भी कर सकते हैं उसको अच्छे से शार्प करके। बट मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको काफ़ी अपना टाइम बचाना है और बिल्कुल फाइन फाइन वर्क करना है तो आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। ये जो मदर टेरेसा वाली ड्राइंग बनाई, इसमें भी डिटेलिंग के लिए मैंने कंप्लीट मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया। मेरी ऑलमोस्ट हर ड्राइंग में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर ही लेता हूँ। इस वाले में तो मैंने कंप्लीट मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ किया था, कंप्लीट आइज़ में, नोज़ में, लिप्स में, अगर आपने वीडियो देखी तो, इसकी मैंने रियल टाइम वीडियो अपलोड की थी। सो हाँ गाइज, बस यही मेन रीज़न है जो कि मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसा नहीं है कि वुड पेंसिल से नहीं कर सकते, वुड पेंसिल से भी कर सकते हैं, बट फाइन वर्क के लिए आपको बार बार शार्प करनी पड़ेगी, जल्दी खत्म होएगी। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कौन सी यूज़ करते हो और कौन सी रिकमेंड करते हो, वो मैंने आपको दिखा दिया, मैं सकुरा की यूज़ करता हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँ अगर आप चेक करना चाहो तो। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा बिकॉज डिटेलिंग के लिए मेरे को सबसे बेस्ट यही लगती है। मेरे पास पेंटेल की भी है, टॉम्बो की भी है, उनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं यूज़ इसी को करता हूँ सबसे ज़्यादा। और ये वाला पैक आप ले सकते हो, कॉम्बो पैक है, जिसके ऊपर मेरी ड्राइंग भी है और लिखा भी हुआ है आर्ट बाय सर जैसे, आपको पता चल गया होगा वैसे। तो आप ये वाला पैक भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और नेक्स्ट वीडियो में गिव अवे करते हैं इसका, जो मेरा कॉम्बो पैक है मेरे पास पड़े हैं, तो गिव अवे करते हैं, तो वेट करना, जल्दी ही वीडियो आएगी। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैकेनिकल पेंसिल और लेड जो भी डार्क वाली है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइज जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, गिव अवे का इंतजार करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना कि अब तक मैं इंस्टाग्राम पे करूँ गिव अवे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,